हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम रुके हैं केलोंग में। हम लोग रात में ही चंद्रताल से केलोंग पहुंचे हैं। है लाहौल में और एक्जेक्टली हम तांदी गांव के ऊपर है। वो रहा, ये है वो जगह जहाँ पे चंद्र और भागलपुर नदी मिलती है आपस में। चंद्रा नदी का ओरिजिन होता है चंद्रताल से, और दूसरी जो भागा रिवर आती है ये आती है सूरज ताल से, और दोनों का ओरिजिन होता है। यहाँ का बहुत सारे मिथ है, जो क्या बोल सकते हैं, कुछ बातें बोली जाती है कि जैसे यहाँ पे द्रौपदी का वो हो गया था, यहाँ पे अपना जीवन को दान किया था, और भी कुछ सेंट थे यहाँ पे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी टाइम यहाँ पे गुजारा था। तो काफ़ी पवित्र जगह मानी जाती है इस संगम को। यहाँ से आगे इस नदी का नाम होता है चिनाब, और ये गांव है लाहौल का सबसे समृद्ध गांव माना जाता है ये लाहौल का। और जो आप साथ में देख रहे हैं ये यहाँ के सेब के बगीचे हैं, जो अभी कुछ टाइम से यहाँ पे सेब के बगीचे लगाए जा रहे हैं, और काफ़ी काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से। तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं इस जगह से, और यहाँ का हम लोग त्रिलोकीनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एक दरवाज़ा है, कहा जाता है कि उस दरवाज़े से हर कोई दूसरी साइड नहीं जा सकता है, मतलब
जिसने पाप किए हैं, चाहे वो कितना भी पतला क्यों ना हो, वो उस दरवाज़े को क्रॉस नहीं कर सकता है। और किसी ने अगर पाप नहीं किए हैं तो वो उस दरवाज़े को आसानी से क्रॉस कर लेता है, चाहे वो कितना भी मोटा क्यों ना हो। मुझे तो इतना नहीं पता, क्योंकि COVID-19 की वजह से उस दरवाज़े को बंद रखा गया था और मैं तो दरवाज़ा देख भी नहीं पाई। हम लोग त्रिलोकीनाथ से उदयपुर जा रहे हैं। कहते हैं कि लाहौल आकर कोई अगर त्रिलोकीनाथ मंदिर के दर्शन करता है तो उसे उदयपुर जाकर भी मंदिर के दर्शन करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर कोई उदयपुर मंदिर के दर्शन नहीं करता है तो यहाँ की जो यात्रा है वो अधूरी रह जाती है। हम लोग उदयपुर टेम्पल पहुँच चुके हैं। यहाँ पे अंदर जाने वाले लोग चलो शब्द का यूज़ नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है जो भी मंदिर के अंदर चलो शब्द का यूज़ करता है तो माता के साथ जो भूत प्रेत वास करते हैं वो चलो बोलकर साथ ही चल पड़ते हैं। इस मंदिर की एक खास बात है, इसे राजा ने एक रात में अकेले बनाया है। हम देखते हैं लोग यहाँ पे भीड़ जमा कर क्यों बैठे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे एक भैया पत्थर उठा रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये इस पत्थर को क्यों उठा रहे हैं, तो दोस्तों इसकी भी अपनी मान्यता है। कहा जाता है कि इस पत्थर को 5 लोग उंगलियों के सहारे ही उठा सकते हैं। तो दोस्तों हम उदयपुर से वापसी में सिस्सू पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ये लेक देखने के लिए रुके हैं। और चलिए दोस्तों आगे चलकर मैं आपको इस लेक पूरे दिखाने की कोशिश करती हूँ।